Hi my lovelies, welcome back to my channel. How are you all? I hope you are doing great. So in this video I'll be sharing my beauty recommendation from Amazon. वैसे Amazon पे independent sale लगने वाली है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये recommendation video लेके आई हूँ. So यहाँ पे मैंने बहुत time से बहुत सारी स्किन केयर प्रोडक्ट Amazon से खरीदे हैं, देन मेकअप प्रोडक्ट्स खरीदे हैं जिनको मैं एक दो महीने से ट्राई कर रही हूँ एंड मुझे genuinely वो बहुत पसंद आ रहे हैं. एंड आप मेरे वीडियोज में भी उन प्रोडक्ट्स को काफ़ी दफ़ा यूज़ करते हुए देख भी रहे होंगे. तो आगे मैं इस वीडियो में बहुत सारे ढेर सारे प्रोडक्ट दिखाने वाली हूँ यहाँ पे. सो यहाँ पे इस तरह का मैंने यहाँ पे टब में भर के रखा है छोटा सा, और भी दो चार प्रोडक्ट जो है जो इसमें नहीं आ रहे थे वो नीचे पड़े हुए हैं. सो वो सारे प्रोडक्ट्स के बारे में मैं बात करूँगी एंड इसने कैसा वर्क किया मेरे स्किन के ऊपर एंड एज अ मेकअप भी, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ. तो अगर आप इस वीडियो में इंटरेस्टेड है तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें. अगर आप मेरे चैनल पर अभी भी नए हो तो मेक श्योर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है एंड बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दिया है ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन आए. तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले मैं स्किन केयर के प्रोडक्ट शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, देन मैं आप लोगों के साथ मेकअप के प्रोडक्ट शेयर करूंगी. तो स्किन केयर में सबसे पहली चीज़ आती है अपने फेस को वॉश करना. तो यहाँ पे मेरे पास ज़ायन एंड माइज़ा का विटामिन सी फेस वॉश है जो मैंने आई थिंक इसका कॉम्बो पैक खरीदा था दो या आई थिंक अराउंड जनवरी समथिंग. तो एक पैक जो है वो ख़त्म हो गया और ये दूसरा पैक है. तो जेन्युइनली टेलिंग इसका इफेक्ट बहुत अच्छा है स्किन के ऊपर, ये बहुत अच्छे से क्लेंस करता है. सो यहाँ पे इस तरह का ब्रश भी दिया हुआ है जिससे आपका स्किन जो है वो अच्छे से क्लेंस हो जाता है. तो बात करें इसके प्राइस की तो दिस इज समवेयर अराउंड 299 रुपीज यहाँ पे. तो ऑफर में आपको 250 और 200 तक मिल जाएगा. इसमें कॉम्बो पैक्स भी अवेलेबल है. नेक्स्ट प्रोडक्ट इज लॉरियल रेविटा लिफ्ट 1.5 हाइलुरोनिक एसिड सीरम. तो इसमें दो वेरिएंट आते हैं, एक पर्पल वाला आता है और एक ये वाला आता है. थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, अगर आप इस तरह का छोटा बॉटल खरीदते हो एवरी मंथ या हर टू मंथ के हिसाब से अपना स्किन केयर इन्वेस्ट करते हो तो आई थिंक ये बजट फ्रेंडली भी हो जाता है क्योंकि ये 400 और समथिंग रुपीज में मुझे मिला था ये. सो ये आई एम यूजिंग दिस सिंस आई थिंक 2 or 2.5 months एंड इसमें आई थिंक 2 या 3 बार का और बचा हुआ है. सो मैं इसे रेगुलर बेसिस पे नहीं यूज़ कर पाती हूँ. नॉर्मली इसे मैं मेकअप के अंडर यूज़ करती हूँ या फिर जब नाइट केयर रूटीन करती हूँ जो कि मैं बहुत ही रेयर करती हूँ तब इसे यूज़ करती हूँ. बट मैं इसका जो बिफोर अप्लाइंग एंड आफ्टर अप्लाइंग डिफरेंस है काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलता है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके रिंकल्स को कम करता है, देन आपकी स्किन को ग्लोई एंड ड्यूई बनाता है. सो मैं इसे ज़्यादा करके अपने मेकअप के अंडरनीथ लगाना पसंद करती हूँ जिससे मेरा स्किन केयर भी हो जाता है प्लस मेरा जो मेकअप का एप्लीकेशन है वो ड्यूई भी लगता है. सो दिस इज हाउ इट इज़. सो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो इसी का भाई है विच इज़ लॉरियल पैरिस रेविटा लिफ्ट क्रिस्टल माइक्रो एसेंस स्मूदिंग प्लस रेडियंट. सो दिस इज माई सेकेंड बॉटल. मैं बड़े बॉटल्स में इन्वेस्ट करना प्रिफर नहीं करती हूँ क्योंकि आई डोंट डू स्किन केयर बहुत ही रेगुलर बेसिस पे क्योंकि आई हैव टू मैनेज एवरी थिंग. तो जिसकी वजह से मुझे बहुत लेट हो जाता है सोने में, सिया को भी देखना होता है, बाकी सारी चीज़ें भी होती, तो काफ़ी लेट हो जाता है मुझे सोने के लिए. एंड मैं यूजुअली स्किन केयर जो होता है वो रात में ही करती हूँ क्योंकि रात का स्किन केयर काफ़ी अच्छा इफेक्ट दिखाता है डे के हिसाब से, डे से कंपेयर किया जाए तो. सो ये मेरा सेकेंड बॉटल है एंड ये भी आधा ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है. सो ये भी आपको समवेयर अराउंड 300 और 400 के करीब में मिल जाएगा. ये दोनों बहुत अच्छा वर्क करते हैं. सो ये आपके स्किन को बहुत ज़्यादा स्मूथ एंड ग्लोइंग बना देती है, ये बहुत अच्छा लगता है. प्लस इसका स्मेल भी काफ़ी अच्छा है, बहुत ही लाइट वेट है स्किन के ऊपर. सो बात करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की जो कि है फ्रॉम कामा आयुर्वेदा. सो अगेन ये मेरा फर्स्ट परचेस है कामा आयुर्वेदा ब्रांड से एंड मैं इसे ऑलमोस्ट फिनिश कर चुकी हूँ. इट्स अ ब्लैक बॉटल दैट्स व्हाई इट्स नॉट विजिबल. सो इसे भी मैंने आई गेस अप्रैल मंथ में खरीदा था. सो ये ऑलमोस्ट फिनिश होने के लिए आया है एंड I genuinely love this product. This is थोड़ा सा expensive. ये सारे जो products है ये luxury section में जाते हैं क्योंकि इनकी बड़ी बड़ी bottles जो है वो 1200-1300 का आता है just for rose water. काफ़ी लोग सोचते हैं कि यार 1200-1300 का rose water कौन लगाएगा, but trust me
बहुत अच्छा रोज़ वाटर है, इंस्टेंटली आपको आपका स्किन ग्लोइंग प्लस हाइड्रेटिंग फील होता है. लाइक रोज़ वाटर का काम ही होता है आपकी स्किन को यू नो बहुत ही ज़्यादा नरिश एंड मॉइस्चराइज प्लस हाइड्रेट करने के लिए. सो ये बहुत अच्छा वर्क करता है स्किन के ऊपर. लाइक यूजुअली ना मैं इसे डे एंड नाइट दोनों टाइम पे यूज़ करती हूँ. जब भी मैं सुबह नहा के लाइक फेस वॉश करती हूँ उसके बाद मैं कुछ अप्लाई करूँ ना करूँ, आई ऑलवेज अप्लाई दिस प्रोडक्ट, क्योंकि इसका फ्रेग्रेंस बहुत सही है. लाइक अब एक्चुअली में ऐसा लगेगा ना कि आपने अपने रूम में रोज़ रखा हुआ है एंड उसकी भीनी भीनी से खुशबू आ रही है, ऐसी स्मेल आती है इसकी. आई मीन फ्रेग्रेंस आती है, स्मेल नहीं बोलूँगी, फ्रेग्रेंस आती है. प्लस ये बहुत अच्छा वर्क करता है आपके स्किन के ऊपर. तो इसके अलावा अगर आप कुछ नहीं भी अप्लाई करते हो तो भी चल जाता है, बहुत अच्छा वर्क करता है ये. सो बात करें इसके प्राइस की ना, इसका प्राइस है 425 rupees. तो आपको ऑफर में लाइक 400 तक का मिल जाएगा. सो व्हेन आई परचेज दिस समवेयर अराउंड 399 rupees का. सो अगर आप बड़ा पैक खरीदते हो तो आपको वो 1200 या 1250 तक का पड़ जाएगा. सो नाउ आई हैव दिस अदर स्किन केयर प्रोडक्ट विच इज़ फ्रॉम लनेज वाटर स्लीपिंग मास्क. सो अगेन आई लव दिस प्रोडक्ट. लाइक बहुत लोगों को मैंने ऐसा देखा था कि उनको ना ये प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, बट आई थॉट कि चलो इसे ट्राई करते हैं. एंड जैसा कि मैंने कहा कि स्किन केयर में मैं बड़े प्रोडक्ट्स में ज़्यादा भाव नहीं देती, मैं छोटे प्रोडक्ट्स को ही ज़्यादा प्रीफर करती हूँ, क्योंकि वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाना तो ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती एज आई ऑलरेडी मैंशन. सो जैसा कि आप देख सकते हो ये ऑलमोस्ट फिनिश होने को आया है. लाइक ये ज़्यादा बचा नहीं है, मैंने इसे काफ़ी हद तक ख़त्म कर लिया है. दिस इज़ लाइक 25 ml का पैक. इससे भी बड़ा वाला, इतना बड़ा वाला पैक आता है इसका, आई थिंक वो कुछ 100 ml का होगा शायद से. सो इसकी स्मेल इज़ जस्ट अमेजिंग. लाइक इसकी पैकेजिंग भी बहुत अच्छी है. इसकी पैकेजिंग मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है ना, लाइक इट्स अ काइंड ऑफ अ क्यूट बेबी मैट ब्लू कलर, जैसा कि आप देख सकते हो. ऑफकोर्स दिस इज़ फ्रॉम हाई फाई ब्रांड, बट आई लव दिस प्रोडक्ट. इसको जस्ट आपको ना क्या करना है, लाइक मैं क्या करती हूँ मैं वो बताती हूँ. मैं लाइक जैसे कि ये रोज़ वाटर अप्लाई करती हूँ एंड इसे थोड़ा सा ना सूखने देती हूँ, पूरा ड्राई नहीं होने देती हूँ, जस्ट थोड़ा सा सूखने देती हूँ, उसके ऊपर ये अप्लाई कर लेती हूँ. एंड ये आपको सिर्फ रात को ही अप्लाई करना है एंड लिटरली यू विल सी द यू नो लाइक डिफरेंस, क्योंकि मैंने तो नोटिस किया है. मैं इसे लाइक कोशिश करती हूँ कि हर रोज़ रात को लगा के सोऊं, क्योंकि इससे लगाने के बाद ना लाइक मेरा स्किन काफ़ी अच्छा ग्लोई लगता है मॉर्निंग के टाइम पे. दिस एरिया चिक्स एरिया, लाइक चिक्स वगैरह देन चिन हो गया, ये सारे एरिया थोड़ा ग्लो करते तो बहुत अच्छा लगता है नेचुरली. सो जब मैं सुबह फेस वॉश करती हूँ ना तो उसके बाद बहुत ही अच्छा सा हाइड्रेटिंग प्लस ग्लोइंग इफेक्ट आ जाता है मेरे स्किन के ऊपर. सो अब लास्ट प्रोडक्ट है स्किन केयर का, आई थिंक सो येस. सो दिस इज द डर्माको 5% कैफिन अंडर आई सीरम फॉर डार्क सर्कल्स एंड पफीनेस. सो इसमें रेटिनॉल है, पेप्टाइड है, हाइलुरोनिक एसिड है, डे प्लस नाइट है. वैसे मैं केमिकल्स पढ़ने में इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, सो प्लीज़ उसे माइंड मत करना. सो दिस इज़ हाउ इट इज़ एंड ये 50 ml का पैक है. वैसे मैंने इसे अगेन ट्रायल के पैक में मंगाया था. सो आई लव दिस प्रोडक्ट अगेन. सो यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स वैसे मैं शेयर कर रही हूँ ना, मेरे जेन्युइन रिव्यू है, क्योंकि मैंने इसे यूज़ किया है. एंड अगेन मैं इसे ना लाइक जब भी मुझे लगता है ना बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल हो रहा है मुझे एंड यू नो नींद नहीं हो पा रही है जिसकी वजह से आँख बहुत डार्क दिख रहा है, तो मैं रात को लगा के सो जाती हूँ. और मैं ट्राई करती हूँ कि 2 से 3 दिन इसे रेगुलर बेसिस पे यूज़ करूँ. उससे ना एक्चुअली जो मेरा अंडर आई है ना वो बहुत लाइक लाइट में हो जाता है. लाइक मुझे यहाँ तक का डार्क सर्कल पड़ जाता है, तो यहाँ पे ना काफ़ी हद तक लाइट हो जाता है. सो आई डोंट रिमेम्बर मैंने इसे कितने में परचेस किया था, बट इसका प्राइस जो रिटेल प्राइस है दैट इज़ फॉर 599 rupees. सो ये था हमारा आखिरी स्किन केयर प्रोडक्ट. अब बात करते हैं मेकअप के बारे में. तो मेकअप में सबसे पहले आता है सनस्क्रीन. तो सनस्क्रीन के लिए ना मैंने यहाँ पे न्यूट्रोजिना का अल्ट्रा शीर ड्राई टच सनब्लॉक SPF 50 लाइक मंगाया था अमेजोन से. सो मुझे प्रोडक्ट बहुत पसंद है. आप जस्ट उतना ही लेना पड़ता है जितना आपके फेस के ऊपर ये कवर कर सके उतना ही लेना है. एंड इसे अप्लाई करना बहुत अच्छा ग्लो दे देता है, मॉइस्चराइज कर देता है, साथ में तो सन प्रोटेक्शन का काम कर ही रहा है. सो बात करें इसके प्राइस की, तो दिस इज़ फॉर 250 rupees. एंड आई थिंक मेरे को मिला था ये 210 something rupees का. एंड ये आपको मिलता है 30 ml के पैक में. इसमें बड़ा वाला पैक भी आता है आई थिंक सो, बट ट्राई फर्स्ट स्मॉल पैक फिर ही बड़ा पैक खरीदें. सो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है दैट इज़ प्लम सिल्क ब्लर मॉइस्चराइजिंग प्राइमर. तो ये आपने काफ़ी दफ़ा मुझे मेरे वीडियोज़ में यूज़ करते हुए देखा होगा. तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि आई लव द स्मेल ऑफ दिस प्रोडक्ट. बहुत ही प्यारा सा फ्रेग्रेंस है इसका.
लाइक फूल वाला फ्रेग्रेंस है और फूल की फ्रेग्रेंस किसे नहीं पसंद। सो ये है ना लाइक इट्स नॉट अ थिक क्रीम प्रोडक्ट, इट्स वेरी लाइक बहुत जल्दी से ग्लाइड हो जाता है वैसा प्रोडक्ट है, जैसा कि आप देख सकते हो बहुत ही प्यार से ग्लाइड हो जाता है। एंड सेकेंडली ना ये आपके स्किन के ऊपर एक बहुत अच्छा सा ग्लो भी प्रोवाइड करता है, प्लस मॉइस्चराइज तो बहुत ही अच्छे से कर देता है। सो बात करें इसके प्राइस की ना, दिस इज फॉर आई थिंक सो 650 rupees समथिंग का है ये, तो मुझे ना 500 something rupees में ये मिला था। एंड पैकेजिंग तो आप देख ही सकते हो, इट्स लाइक अ क्वाइट लग्जूरियस टाइप का पैकेजिंग। आई लव दिस काइंड ऑफ पैकेजिंग, जैसा कि ये लिनेज का पैकेजिंग है, ये भी मुझे बहुत पसंद है। सो दिस काइंड ऑफ पैकेजिंग जो होती है ना वो मेरा दिल ले जाते हैं। सब बात करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की। सो यहाँ पे ना लाइक आई हैव अ कंसीलर फ्रॉम स्विस ब्यूटी, सो आई थिंक सो इस प्रोडक्ट के बारे में सब कोई जानता होगा। एंड दिस प्रोडक्ट लाइक इट इज़ लाइक हर एक टीनेजर कॉलेज गोइंग गर्ल्स के पास ये प्रोडक्ट होना चाहिए। ये ना वैसे टार्ट जो कंसीलर आता है ना उसका ड्यूप वर्जन है। सो इसका लाइक कवरेज इज अमेजिंग, ब्लेंडिंग होने का टेक्निक जो है इसका बहुत ही सही है, बहुत ही ब्यूटीफुली ब्लेंड हो जाता है। सो यहाँ पे मैं एक स्वैच करके दिखाती हूँ आप लोगों को। सो ये कुछ इस तरह से है, मैं ज़्यादा प्रोडक्ट वेस्ट नहीं करूँगी वैसे। सो ये कुछ इस तरह से बहुत ही ब्यूटीफुली ब्लेंड हो जाता है, जैसा कि आप देख सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुली ब्लेंड हो जाता है, बहुत ही लाइट वेट है, प्लस इसका कवरेज बहुत अच्छा है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की, विच इज़ फ्रॉम अगेन स्विस ब्यूटी। सो दिस इज स्विस ब्यूटी अल्टीमेट शेडो पैलेट। सो दिस इज़ हाउ इट इज़, एंड इसमें आपको ना वेरियंट मिल जाएंगे बहुत सारे कलर्स के। तो मैंने ये वाला खरीदा था। सो इसका जो पैलेट का नंबर है दिस इज 08 यहाँ पे मेंशन है। एंड मैंने इसे खरीदा था ना समवेयर अराउंड 200 और 180 के अराउंड, बट इसका MRP है 229 rupees। सो इसका मैं स्वैच करके दिखाती हूँ। सो सबसे पहले मैं इसका दिखाती हूँ आपको। सो आप देख सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल कलर्स है, देन पर्पल वन, देन दिस ब्लू, इट्स काइंड ऑफ अ टील ब्लू कलर। सो आप देख सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल कलर है और ब्लेंड बहुत ही अच्छे से हो जाते हैं। लाइक लगता ही नहीं कि ये इतना सस्ता पैलेट होगा इतने ब्यूटीफुल कलर्स के साथ। सो लाइक दिस टाइम ना मार्स हो गया, स्विस ब्यूटी हो गया, इनसाइड हो गया, ये सारे बहुत उभर के आ रहे हैं ब्रांड्स, तो आप ट्राई कर सकते हो उन सभी के ब्रांड्स। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पे बस एक और आई शेडो है विच इज़ फ्रॉम SFR। तो ये कुछ इस तरह का है। सो पहली बात तो मैंने इसे खरीदा क्यों, क्योंकि मुझे इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी लगी। दिस इज समथिंग इन पर्पल एंड यू नो आइसक्रीम शेड। माई डॉटर लव दिस पैलेट, जब भी वो देखती है वो बस खेलने लगती है, इसका यूज़ तो नहीं करती बट खेलने लगती है बिकॉज ऑफ दिस आइसक्रीम्स। बट जनरली बात करें इस पैलेट की तो बहुत अच्छा पैलेट है। आपको यहाँ पे इस तरह का मिरर भी मिल जाएगा, प्लस आपको यहाँ पे ये सारे शेड्स मिल जाएंगे जो कि पर्पल टोन में है सारे के सारे। तो यहाँ पे ना आपको लाइक पिंक में थोड़ा ग्लिटर मिल जाएगा, यहाँ पे इस तरह का न्यूड कलर मिल जाएगा, देन यहाँ पे आपको पर्पल पिंक मिक्स कलर मिल जाएगा। सो ओवरऑल यहाँ पे जितने भी कलर्स हैं ना सारे पर्पल को डेडिकेटेड है। तो यहाँ पे डार्क पर्पल जो है ना वो उसका स्वेच मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे। सो वाओ लुक एट द पिगमेंटेशन, मतलब ये स्विस ब्यूटी वाले से भी अच्छा है मैं ऐसा बोल सकती हूँ, क्योंकि देख सकते हो। बात करें प्राइस की ना तो दोनों की प्राइस ऑलमोस्ट सेम ही है, बट पिगमेंटेशन इसका ज़्यादा अच्छा है। तो मैं यहाँ पे ये डार्क पर्पल वाला ग्लिटर आई शेडो इसे भी एक बार स्वैच करती हूँ यहाँ पे। सो ये देखो बहुत अमेजिंग पैलेट है, बहुत अमेजिंग। लाइक मेरे को तो इसका पैकेजिंग ही अच्छा लगा था, बाकी अंदर क्या आएगा उससे कोई भी उम्मीद नहीं थी, बट बहुत ही अच्छा लगा था मुझे इसका पैकेजिंग। सो यहाँ पे ये वाला शेड भी बहुत प्रिटी, आप देख सकते हो बहुत प्रिटी कलर है ये वाला। लाइक मैं अभी स्वैच करके देख रही हूँ इसलिए मुझे पता लग रहा है, क्योंकि मैंने ये वाले कलर के साथ वर्क नहीं किया था अभी तक। सो बात करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की विच इज़ फ्रॉम मार्स। सो यहाँ पे ना मेरे पास ये मार्स का लाइनर है। सो ये कुछ इस तरह से है, पैकेजिंग बहुत बढ़िया है, इस तरह के पेन के फॉर्म में आता है यहाँ पे। एंड इसका पिगमेंटेशन बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छे से ग्लाइड हो जाता है। लाइक राइट नाउ आई एम वेयरिंग द सेम लाइक लाइनर। सो दिस रिटेल्स मी फॉर समवेयर अराउंड 190 rupees, एंड इसका प्राइस भी समवेयर अराउंड 200 rupees का ही होगा। सो बात करते हैं अगेन नेक्स्ट प्रोडक्ट विच इज मार्स। सो यहाँ पे मैंने मार्स के लिपस्टिक के कॉम्बो मंगाए थे। सो दिस इज हाउ इट इज, यहाँ पे ये शेड जो है दिस इज 009 मैग्नेटिक, और यहाँ पे ये लाइक प्लम के शेड में आया था मुझे। लाइक इसमें ना दो और शेड है जो लाइट कलर में आते हैं, बट ये वाला शेड मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड राइट नाउ आई एम वेयरिंग द सेम शेड। सो दिस इज हाउ इट इज, एंड इसका लाइक सिंगल का प्राइस है
249 rupees somewhere around. But again, if you buying combo wala pack na, then you will get like 249 or 300 mein 3 ka combo. So next product which is again from Mars, to ये भी आपने बहुत दफ़ा मुझे यूज़ करते हुए देखा होगा वीडियोस में. दिस इज़ द प्रोडक्ट आई लव यूजिंग एवरी डे, क्योंकि ये ना आपके आई लैशेज़ को इतने अच्छे से कोट करता है कि ना ये बहुत ही अच्छे घने दिखते हैं. ऐसा लगता है कि आपने फेक लैशेज अप्लाई किए हुए हैं ऑलरेडी नेचुरल वाले, क्योंकि ये बहुत अच्छा लेंथ एंड वॉल्यूम दे देता है. एंड इसका कलर लाइक टोटली ब्लैक है, जैसा कि आप देख सकते हो टोटली ब्लैक है. बस ये थोड़ा सा लेट ड्राई होता है, लाइक इसको ड्राई होने के लिए टाइम लगता है. सो गाइस, ये थे ढेर सारे प्रोडक्ट, और भी बहुत सारे हैं बट एक ही वीडियो में मैं कवर नहीं कर पाऊंगी. तो ये थे मेरे कुछ रिकमेंडेशन जो आप आने वाले इंडिपेंडेंट सेल में खरीद सकते हो अमेजोन से. एंड वैसे आपको सारे प्रोडक्ट के लिंक्स जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो अगर आपको परचेस करना है तो आप परचेस कर सकते हो. और इफ़ यू वॉन्ट टू परचेस फ्रॉम द वन लिंक ओनली, तो आपको मेरा स्टोर का लिंक मिल जाएगा नीचे, जहाँ पे एक आइडिया लिस्ट करके सेक्शन होगा, वहाँ पे एक लिंक होगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना है. आपको सारे प्रोडक्ट का डिटेल एक ही लिंक के थ्रू मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी डायरेक्ट परचेस कर सकते हो. सो गाइज, आई होप ये वीडियो आई थिंक थोड़ी लंबी हो गई बट काफ़ी इन्फॉर्मेटिव थी. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है या फिर हेल्पफुल रही है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी है. अगर आप मेरे चैनल पे अभी भी नए हो तो आई होप आपने सब्सक्राइब कर दिया है और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए. एंड बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन आए. तो मैं मिलती हूँ आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप सपोर्टिंग.